गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रूट वर्ड की सेकंड वीडियो में हमारा सेकंड वर्ड है बर्स। बर्स का मतलब क्या होता है? मनी। बर्स मीन्स होता है पैसा, मनी, और उससे बना एक वर्ड है बर्सरी। ये नाउन होता है। एंड इसका क्या मतलब है? एन अमाउंट ऑफ मनी गिविंग टू ए पर्सन बाई एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज ए यूनिवर्सिटी टू पे फॉर देम टू स्टडी स्कॉलरशिप। जब हम किसी एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं तो गवर्नमेंट हमें क्या देती है? स्कॉलरशिप देती है। तो वहां पे जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं वो है बर्सरी। बर्सरी मीन्स पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। मतलब ये कि स्कॉलरशिप की जगह हम जो हमेशा यूज करते हैं वहां पे हम वर्ड बर्सरी भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूट वर्ड से जो बना वर्ड है हमारा वो क्या है? बर्सर। ये एक नाउन होता है। ए पर्सन हु मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ ए कॉलेज एंड स्कूल। बर्सर किसको बोला जाता है? कैशियर को। कैशियर किसको? जो कॉलेज या हमारे स्कूल में जो अकाउंट ब्रांच होती है वहाँ पे पैसे जो कलेक्ट करते हैं, हमारी फीस कलेक्ट करते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में जो पैसा कलेक्ट करता है, आप बैंकिंग सेक्टर में देखते हो तो वहाँ पे जो कैशियर होता है उसी के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है बर्सर। ठीक है। उसके बाद है रीइंबर्स। ये वर्ब होता है। इसका क्या मीनिंग है? रीपे ए पर्सन हु हैज स्पेंट और लॉस्ट मनी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंसान, कोई भी आप उसके लिए काम कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वो उस ट्रैवलिंग का जो पैसा वापस कर रहा है, रीपे कर रहा है आपको पैसा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी विल रिमबर्स यू फॉर योर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज। कि कोई कंपनी है वो आपको रीपे कर रही है, रीइंबर्स कर रही है। ठीक है। री मीन्स दोबारा, बर्स मीन्स पैसा। क्या किसका पैसा वापस करे? आपके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का। नेक्स्ट वर्ड इज डिसबर्स। ये वर्ब होती है। ठीक है। क्या है मीनिंग इसका? इफ ए बैंक ऑर्गेनाइजेशन और ए गवर्नमेंट डिसबर्स मनी इट ऑफिशियली पे इट टू समवन। मीन्स व्हाट? कि बैंक है, जैसे बैंक की कोई स्कीम है, उसने अपना पैसा, गवर्नमेंट स्कीम है बैंक के थ्रू, उसने बैंक ने क्या है अपना पैसा डिसबर्स कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है। या पे कर दिया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने, या गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम आई, कोई फंड आया तो उसको डिसबर्स करना, पैसे को बांट देना मतलब। ठीक है। यूज करना है ऑन पब्लिक, तो उस पैसे का क्या यूज करना, ये एक फाइनेंशियली वर्ड है। पे करना या ऑफिशियली किसी के ऊपर, तो वहां पे हम यूज करते हैं डिसबर्स। मीन्स कि पे करने की जगह, स्पेंड करने की जगह हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? डिसबर्स। एग्जांपल द बैंक हैज डिसबर्स्ड ओवर $350 मिलियन फॉर द प्रोजेक्ट।